हाय ब्रूनो, क्या बात है बिली, इतनी खुशी खुशी क्या पड़ रही? अरे केडी माय हॉरोस्कोप, आज का दिन ना बहुत अच्छा जाएगा, स्पेशली फाइनेंशियली। अब हॉरोस्कोप कब कहता है कि आपका दिन बुरा जाएगा, या आपको हार्ट अटैक होगा, या वरुण का शेफाली के साथ ब्रेकअप होगा? केडी इट्स नॉट दैट, इन लोग झूठ क्यों बोलेंगे? This specifically clarified कि आज का दिन financially बहुत अच्छा है। हाँ, तो चलिए आपके हॉरोस्कोप को सच बना लेते हैं। सैलरी चेक। बोल। मिस्टर केडी पाठक। आइए आइए, प्लीज बैठिए। जानवरों से बहुत प्यार है आपको। जी हाँ। कहिए। मेरा नाम स्वरा है, तो मैंने इससे भी बड़े जानवरों के साथ डील किया है। दरअसल मैं कोलकाता से हूँ और प्रोजेक्ट स्ट्राइप्स के नाम से एक एनजीओ चलाती हूँ जो रॉयल बंगाल टाइगर्स को बचाने के लिए है, और इसी के सिलसिले में मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। कोलकाता से मुंबई कैसे आना हुआ? तो एक्चुअली मैं जिस एरिया में काम करती हूँ वो उत्तम चौधरी की है, जो मुबासा गांव के एक टाइम पे जमींदार थे। मैं और मेरा एनजीओ इस जमीन को खरीदना चाहते थे ताकि वहाँ पे प्राइवेट टाइगर रिजर्व बना सके। बड़े मुश्किल से हमने उसके लिए फंड्स भी इकट्ठा किए थे और चौधरी साहब के साथ डील भी हो गई थी, लेकिन पिछले हफ्ते चौधरी साहब अपने बात से मुकर गए और उन्होंने अपनी जमीन किसी गांगुली को भेज दी। प्रमाण है आपके पास स्वरा जी? जी हाँ। ये कागजात तो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि वो जमीन आप लोगों की है, आपके एनजीओ की। आई थिंक इट्स ओपन एंड शट केस, बहुत ही सिंपल केस है। आई मेक श्योर कि आपको कोई आर्थिक नुकसान ना पहुंचे। आप निश्चिंत होकर कोलकाता वापस आइए। थैंक यू सो मच मिस्टर पाठक। बकरियां कहां गई? कितनी बार कहा है जानवर से दूर आकर तेरे को समझ नहीं आता? मामा चुप, सुन ले, इतनी बार मैंने मामा से मत मारो। अरे छोड़ो, अरे बेटा 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 तू पीछे जा, बेटा बेटा छोड़, अरे छोड़ 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 छोड़
अरे 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 चल, अरे क्या कर रहे हो? बच्चे को क्यों डांट रहे हो? बाग बहुत डर है, वो नाचेगा तमाशा करेगा तो बच्चे तो मजा लेंगे ना। जाने दो, जाने नंदू, जाने दो। ऐसे कैसे जाने दो? बचपन में मेरे भाई को भी लेकर गया था ऐसा नमूना, वो भी ऐसा बाघ बहादुर था, पहले मेरी बकरियों के पीछे पड़ गया और अब अगर तुझे उठाकर लेकर गया ना तो रोना मत। इस गांव में जीना मुश्किल कर रखा है सुबोध ने, और फिर मेरी बकरियों को मार के खा गया बाघ बहादुर बनकर। लेकिन तुमको यकीन है कि ये सुबोध ने किया है? किसको पता, शेर ने किया हो तो? पता नहीं किसने किया है, लेकिन मानक बाबू तो मुझे ही मारेंगे ना। पहले कितना कर्जा है मुझ पर उनका, अब तो सारी बकरियां भी खत्म हो चुकी है। चल घर चल। तब ये मुझे नहर के पास मिली, तब मुझे लगा था कि ये चलते चलते दूर चली गई होगी। कितनी? छह। आठ आठ आठ। और पिछली बार जो मरी थी उन्हें मिला के? उससे कुछ पूछा मैंने? हमारी बहू, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो इन भेड़ों का बहुत ध्यान रखता हूँ, अपने बच्चों से भी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। तब मुझे लगता है कि वो पागल सुबोध ने इन भेड़ों को मारा होगा, अपने को शेर समझता है वो। उससे क्या सवाल किया था मैंने? अब तक कुल कितनी? 17 हो गई, लेकिन वो बाघ बहादुर सुबोध। चल अब हमारी बारी है शिकार करने की, शेर असली हो या नकली, मरेगा मेरी ही गोली से। नमस्ते चौधरी साहब। नमस्कार देवजीत बाबू, आओ बैठो। चौधरी बाबू, मानिक जी कुछ गुस्से में लग रहे थे, कहीं बाहर गए क्या बंदूक लेकर? मानिक क्या करता है क्या नहीं ये सोचना मैंने बंद कर दिया। ये लड़का मेरे हाथ से निकल गया है। तुम बताओ किस लिए आना हो? चौधरी साहब, मैं वो एनजीओ वाली लड़की के बारे में बात करने आया था, सुना है वो मुंबई होकर आई। हाँ सुना मैंने भी है कि वो लड़की किसी वकील के पास गई थी। केडी पेडी, केडी क्या नाम है उसका? केडी पाठक। पाठक हो या कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देवजीत बाबू तुम घबराओ मत, वो जमीन तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन चौधरी साहब, आप केडी पाठक को इतना हल्के से मत लीजिए। अरे पहली डेट में वो मेरे हाथ से जमीन निकालकर उस एनजीओ वाले को दे देगा। उस एनजीओ वाले को और उस वकील को एक तारीख भी नहीं मिलेगी। मैंने अपना एक खास आदमी इस काम पे लगा दिया है, तुम्हें चिंता कोर बेना। ओके Ah!
जॉब है फॉरेस्ट बाबू। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? ये पूरा इलाका है ना, ये मेरा है, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। देखिए बेहतर यही होगा कि आप लोग वापस लौट जाएं। आगे कोर एरिया है, वहाँ जाना अलाउड नहीं है, गैर कानूनी है। कानून? कानून को ना ये साइड पॉकेट में लेके घूमते हैं हम। मानिक चौधरी नाम है हमारा, उत्तम चौधरी के बेटे। इधर जंगल देख रहे हैं ना, इसमें कहाँ गायब कर दूंगा पता भी नहीं चलेगा। वापस चलते हैं, कहीं अंधेरी की आड़ में कोई शेर हम पे हमला ना करते। अरे हमला करेगा, इसी बहाने बाहर तो निकल कर आएगा। गन गनफायर। हेलो हेलो मुंबासा फॉरेस्ट, मुंबासा फॉरेस्ट, जल्दी अपने सायरन ऑन करो, जंगल जन अलर्ट, क्विक। लगता है जंगल का सायरन बज गया, निकलना पड़ेगा। जी हाँ मिस्टर पार्कर, आपकी टिकट्स बुक। मिस्टर पाठक, आई जस्ट कॉल यू बैक। ये साइरन्स की आवाज कहाँ से आ रही? प्रदोष, प्रदोष कहाँ चला गया ये? मुंबासा पुलिस, जल्दी गेट नंबर 1 और 3 लॉक कर दो जल्दी। अब बताता हूं उसे ये जंगल किसका है। अरे मानिक बाबू, मानिक बाबू, मानिक बाबू कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मानिक बाबू
ऐसा मजाक है ये, ऐसा चार्ज लगाऊंगा ना कि जिंदगी भर बाहर आने को तोरसेगा। अच्छा, और आप पर ड्यूटी पे सोने का चार्ज कौन लगाए? कौन है तुम? मेरा नाम केडी पाठक है, एडवोकेट केडी पाठक, मुंबई से। हाँ हाँ, केडी पाठक। सॉरी, वो दिन में कभी कभी वो आग लग जाती है। कोई बात नहीं, बैठे। समझ में नहीं आ रहा ना कि समाज की रक्षा करने वाले अगर ड्यूटी पे सोते रहेंगे तो समाज की रक्षा कौन करेगा? खैर छोड़िए, ये स्वरा जोशी नामक एक महिला है, उनका पता चाहिए था। स्वरा जोशी कौन? एनजीओ चलाती हैं। स्वरा जोशी, एक मिनट। स्वरा जोशी, मिल लो। मिसिंग? 3 दिनों से। सही, जरूर उस चौधरी का काम। ठीक है मुलाराम जी, जानकारी के लिए धन्यवाद। आगे काम पड़ेगा तो आऊंगा ना। प्रदुषी, आपने स्वराज जी को आखिरी बार कब देखा? जिस रात वो गायब हुई। हम दोनों प्रोजेक्ट स्ट्राइप पे काम कर रहे थे। मैं और स्वरा साथ में डिनर करने वाले थे, इसलिए मैं उसी के घर पे था। वरुण बाबू, उसके बगैर ये एनजीओ पता नहीं कैसे। देखिए, संभालिए अपने आप को। स्वराज जी के एब्सेंस में अब आप ही को एनजीओ चलाना। केडी सर की रिक्वेस्ट है कि कल अदालत में आप अपनी एनजीओ के लिए प्रेजेंट रहे। आमी? लेकिन क्यों? आपको कोई आपत्ति है? हाँ नहीं, वो एक्चुअली ये सब ठीक अच्छे, मैं कल कोर्ट आ जाऊंगा। थैंक यू। तूने डेट ठीक से चेक की थी या नहीं? हाँ सर, आज ही की डेट थी और टाइम भी हो गया। आप 12:30 बजे वाले केस के वकील हैं ना? जी जी, मैं मुंबई से आया हूँ, केडी पाठक। केडी पाठक मुंबई से? जी, वो स्वरा जोशी जी हैं जो इस समय लापता हैं, उनके और उनके एनजीओ का नेतृत्व करने आया हूँ। संभवतः हमसे ही कोई समय में भूल होगी कि कोई उपस्थित हुआ नहीं, अभी अभियोग पक्ष से भी कोई नहीं आया। सर वो भी आ जाएंगे। तो पाठक, बहुत समय है, क्या है हमारे गांव में ज्यादा केस होते नहीं, आप आराम से बैठिए ना, चाय पियेंगे। बनवारी, 3 कप चाय, आप आराम से बैठिए ना। सब लाइफ में पहली बार ऐसा कोर्ट देख रहा हूँ। फिर नगरी चौपट राजा पहले का मजाक बना कर रखा। योर ऑनर, जैसे हम घर से बहार निकला ना तो हमारा स्टूडेंट हो गया। सर आने में थोड़ा देरी हो गया, इसलिए आई एम सॉरी योर ऑनर। कोई नहीं यार, उत्तम बाबू भी नहीं आए अभी तक। हाँ वैसे इनसे मिले, मिस्टर केडी पाठक जी? पाठक जी नमस्कार, मैं अलम घोष। अरे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। मीट माई पत्नी मिसेज रेणुका घोष। अरे नमस्कार बोलो ना। कोई बात, पड़ोसी अभी तक पहुंचे नहीं है, मुझे लगता है कुछ गड़बड़।
जरा उनके घर जाके देख। पाठक, अभियोग पक्ष की तरफ से अब यहाँ हर कोई है, आपकी तरफ से कब आएंगे? योर ऑनर, इस देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रदोष जी अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं। मैंने अपने सहायक वरुण को भेजा है पता लगाने की वो कहाँ है। ये आगे। एक्सक्यूज मी योर ऑनर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं केडीसी से बात करना चाहता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ मिस्टर पाठक? क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, मेरे सहायक ये कह रहे हैं कि प्रदोष जी के घर पे ताला लगा हुआ है और वो कहीं पाए नहीं गए। भाग गया होगा वो एनजीओ वाली की तरह। वैसे भी ये केस झूठा था, बड़ी आई थी एनजीओ वाली हम पे, उत्तम चौधरी पे केस करने के लिए। योर ऑनर, स्वराज जी का इस तरह से लापता होना, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी में इस केस का रहस्य छिपा हुआ है। मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि पुलिस को आदेश दिया जाए इस बारे में छानबीन करने। ओ पाठक बाबू, वो दोनों का केस झूठा था इसलिए भाग गए होंगे, समझा? अब अगर कल को तू ये तरह ये लड़का इस गांव में गायब हो जाए तो क्या उसका दोष भी हम ही को दोगे? योर ऑनर, अदालत में न्यायाधीश के सामने चौधरी साहब मुझे धमकी दे रहे हैं। मिस्टर पाठक, बेहतर रहेगा कि हम इस केस पर ही ध्यान दें। योर ऑनर, मैं अदालत से एक बार फिर निवेदन करूंगा कि स्वराज जी के लापता होने की पूरी तरह से छानबीन की जाए, उसके पश्चात ही ये केस चलाया जाए। मुझे पूरा विश्वास है कि वहीं कुछ ना कुछ मिलेगा। दुर्भाग्यवश प्रदोष जी तो उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे पास ये कुछ कागजात हैं, अगर आप देखना चाहें तो। पाठक बाबू, बेकार है ये सब, क्योंकि विपक्ष की तरफ से अदालत में कोई उपस्थिति नहीं, इसलिए ये अदालत आज की सुनवाई डिसमिस करती है। हाँ, लेकिन आपके इत्मीनान के लिए ये अदालत पुलिस को ये निर्देश देती है कि जोशी जी के लापता होने की कार्रवाई, उसमें ढूंढने की कार्रवाई जरा तेज करें। अरे चौधरी साहब, जरा दो मिनट आपसे बात करनी है। चलो यार। लगता है इस लड़की को ढूंढते ढूंढते मैं खुद ही गायब हो जाऊंगा। Oh!
बाबू ये मोलाराम ने आपका केस निपटा दिया। अरे वो एनजीओ वाली लड़की का केस ढूंढ लिया उसे। शाबाश। हाँ सुना मैंने, स्वराज जी को ढूंढ लिया और वो किस अवस्था में पाई गई ये भी सुना। पाठक बाबू हमने सिर्फ स्वराज जी को ही नहीं उनके कातिल को भी हमने ढूंढा। ये रहा। कौन है? सुबोध, सुबोध नाम है इसका। पागल है, पागल है। गलियों में शेर बन के नाचता फिरता है। बाघ बहादुर। तुम्हें कैसे पता कि इसी ने मारा है स्वरा? अरे क्योंकि ये वही था जहां स्वरा मिली थी और वो। मैं मोलाराम से पूछ रहा हूँ, कैसे पता तुम्हें? पाठक बाबू अपनी हद से आगे मत बढ़ो। इस गांव में तुम्हारी अदालत नहीं मेरी अदालत चलती है। दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना वरना अच्छा नहीं होगा, समझे? सही बोल रहे हैं आप चौधरी साहब, मुझे यहाँ आपसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। चलिए अदालत में बात करूंगा आपसे सुबोध का केस लड़कर। See you in court. हेलो, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कुछ फोन मत किया करो, हिंदी समझ में नहीं आती क्या तुम्हें? अगर दोबारा मुझे फोन किया ना तो मुझे कोई एक्शन लेना पड़ेगा तुम्हारे खिलाफ, समझे? फोन रखो। अरे घोष बाबू ये केस भी आप ही लड़ रहे हैं मेरे खिलाफ? नहीं नहीं पाठक जी, मैं तो सिर्फ सिविल केसेस लड़ता हूँ, ऐसे मर्डर केसेस में मेरी वाइफ की स्पेशलिटी है। हाँ अच्छा, नमस्कार। हेलो, ये मत समझिएगा कि हम लोग छोटे से गांव में केस लड़ने वाले लॉयर हैं तो आप आसानी से निपटा देंगे। मिसेस घोष, मैं कभी अपने प्रतिद्वंदी को दुर्बल नहीं समझता और कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे ये केस शहर में लड़ा जा रहा है गाँव। बहादुर तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी छूट जाओगे। अरे रो मत, मैं तुमसे मिल जाऊंगा, तुम्हारे लिए खाना भी लाऊंगा मेरे शेर के लिए। मैं चलता हूँ। यार दस बज गए, चलो भाई कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, स्वरा जोशी यहाँ गांव में एक छोटा सा एनजीओ चलाती थी रॉयल बंगाल टाइगर्स को बचाने का। 17 जून की रात को उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास दो सबूत, एक तो ये कि सुबोध के कपड़े पर स्वरा के खून के निशान और दूसरा घटना स्थल पर सुबोध के पैरों के निशान। मिसेस घोष, ये भी तो संभव है कि जो रक्त के निशान थे वो स्वयं सुबोध के हों। आप तो जानती ही हैं कि इसके पैर में चोट आई थी तो संभव है कि वहीं से रक्त लगा हो उनके कपड़ों। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि शहर से जब खून के जांच की रिपोर्ट आएगी तो उसमें भी ऐसा ही पाया जाएगा, इसीलिए मैं आग्रह कर रहा हूं अदालत से कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती मिसेस घोष की इस बात पर बिल्कुल मान्यता नहीं दी जाए। योर ऑनर, और मुझे यकीन है कि रिपोर्ट में वही आएगा जो अभी अभी मैंने कोर्ट में कहा, और वारदात की जगह पर सुबोध के पैरों के निशान का पाया जाना उसका क्या, उसे कैसे नकार सकते हैं आप? मिसेस घोष, हो सकता है कि सुबोध वहां से गुजरा हो जिसके कारण उसके पैरों के निशान वहां पड़ गए हों, और फिर आपने ये नहीं सोचा कि अंततः क्यों सुबोध
स्वरा की हत्या करेगा। ऐसा करने के लिए इसके पास कोई मकसद कोई मोटिव था नहीं। मिस्टर पाठक आप भूल रहे हैं कि आप जिस इंसान के लिए डिफेंस कर रहे हैं वो अपने आप को इंसान ही नहीं समझता, वो अपने आप को शेर मानता है। अब आपके मुंबई में इसे क्या माना जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ ऐसे लोगों को मानसिक रोगी कहा जाता है। योर ऑनर, अब इस केस में वजह के पूछे जाने का कोई कारण नहीं समझ में आता, सब बेकार है। जी सरकार, इसी ने मारा है हमारी भेड़ बकरियों को शेर बनकर, और उसके मुंह में खून लग गया ना तो एनजीओ वाली मैडम को भी मार डाला इसने। तो शेर समझ, देखिए 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 कैसे कैसे घूर रहा है मुझे। अरे ऑर्डर ऑर्डर, शांत रखो कोर्ट में। योर ऑनर, मैं मानता हूँ कि सुबोध को ऐसा भ्रम, किंतु इसका ये अर्थ नहीं कि हत्यारा है। वैसे भी वराजी और उनके एनजीओ के विरुद्ध बहुत सारे लोग जिनके पास वराजी को मारने का मकसद भी था, जैसे कि हमारे उत्तम चौधरी साहब। मिस्टर पाठक, कहीं आप इसीलिए तो अच्छे वकील नहीं माने जाते हैं कि केस के जरिए आप अपनी जाति दुश्मनी निकालते हैं? योर ऑनर, इनकी मिस्टर उत्तम से नहीं बनती है, इसलिए ये उन पर अपना गलत इल्जाम लगा रहे हैं। योर ऑनर, चौधरी साहब के साथ मेरी कोई निजी शत्रुता तो है नहीं, मैं केवल ये कह रहा हूँ कि स्वरा को मारने का उनके पास मकसद था। उत्तम जी ने खून नहीं किया पाठक बाबू, जो भी कहना है वहां से मत बोलो, कटघरे में आकर बोलो। मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मैं पूरे यकीन के साथ ये कह सकता हूँ कि ये खून उत्तम जी ने नहीं किया और ना ही ये खून सुबोध ने किया। तो ये सब आप यूं ही कह रहे हैं या अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए कुछ है आपके पास? सर प्रमाण है, स्वराज्य की बॉडी अपने आप में एक प्रमाण। देखिए, मैं पिछले 12 साल से फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि एक शेर का, कोर एरिया जहाँ पर शेर पाए जाते हैं। स्वराज्य की बॉडी उसी के पास मिली, हो ना हो ये काम जरूर एक शेर का, किसी इंसान का नहीं। उस रात वो एक शेर का शिकार हुई। ऑफिसर, मुझे एक बात समझाइए कि लाश के पास शेर के पैर के निशान क्यों नहीं, सुबोध के पैर के निशान क्यों? जी ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आई एम श्योर ये काम एक रियल टाइगर का है। जिस जानवर को बचाने चली थी उसी का शिकार हो गई। पुलिस, अरे रुको इन्हें रुको। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल के साथ ऐसा बर्ताव उचित नहीं। और जो बर्ताव आपके क्लाइंट ने अभी अभी किया उसका क्या? योर ऑनर, देख लिया आपने, यहाँ इसे रोकने वाला था लेकिन उस रात अफसोस कोई नहीं था रोकने वाला और इसलिए इसने स्वरा की हत्या कर दी। ये इंसान अपने आप को शेर समझता है और इसी दिमागी हालत में इसने स्वरा की जान ले ली। सुबोध के बर्ताव के चलते ये बेहतर रहेगा कि इस अदालत की कार्यवाही अगली तारीख में की जाए। द कोर्ट इज अर्जेंट। अदालत में इस तरह से माणिक पर हमला क्यों किया? तो कुछ किया था तुमने? गोली मारी थी उसने कि मतलब क्या तुम स्वरा की हत्या हुई तो तुम थे वहां?
तुम थे? तुम और कोई भी था? कौन था? और कौन था वहां? मोलाराम था? मोलाराम था? और कौन था? नंदू आया क्या? नंदू यहां पर आया क्या? सब इसकी वजह से हुआ है। पता मेरा नंदू कहाँ है? उसके दोस्त लोग कह रहे थे कि वो यहां पर आया था तुझसे मिलने के लिए लॉकअप में। है? अरे छिनो छोड़ो इसे, तुम्हें भी अंदर होना है क्या? छोड़ो। अरे 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 पाठक बाबू आप कब आए? मैं तब आया जब आप वहां निद्रासन में गए थे स्वप्न नगरी। जाइए अब चिनु को ले जाइए ऑफिसर दास के पास। जाइए भगवान क्या करे वह जंगल में वो शेर और या तू एक शेर, दोनों को कैसे जी? शेर कौन गया? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.